राजस्थान में राइट टू हेल्थ के विरोध में 20 दिनों से डॉक्टर्स की हड़ताल का असर लगातार आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में प्रदेश भर में रोजाना दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में गुरुवार को 5 वर्ष की मासूम बेटी डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश के नीमच से 29 मार्च को यह परिवार बेहतरीन इलाज की आस में उदयपुर आया था, मगर डॉक्टर्स की लापरवाही से बेटी हमेशा के लिए दूर चली गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल परिजनों का आरोप था कि एक दिन उनकी बेटी का इलाज चल रहा था, मगर डॉक्टर्स इलाज को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थे। उन्होंने बार बार डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से ट्रीटमेंट को लेकर कहा, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते रितिका की तबीयत बिगड़ती रही और मौत हो गई। परिजनों ने कहा, बेटी की मौत के जिम्मेदार एमपी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। वहीं इस मामले में डॉक्टर्स का कहना था कि परिजनों को पहले ही उनकी बेटी के नाजुक हालात के बारे में बता दिया गया था। लापरवाही जैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। अस्पताल में नियमों के अनुसार ही उपलब्ध ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत पर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं भी एकता कॉलोनी बस्ती से हूँ। मैं लड़की का काका लगता हूँ। तो जैसे मेरी मम्मी भी यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मुझे पता नहीं थी। इनका मेरे पास कॉल आया कि उदय भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी बच्ची ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो मैं उदयपुर लेके आ रहा हूँ बच्ची को। तो बच्ची को उदयपुर लेके आए तो एक दिन तो बच्ची का इलाज अच्छे से चला। फिर 30 की नाइट को समथिंग 11 बजे बच्ची की तबीयत बिगड़ने लग गई थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो जैसे लड़की के पापा ने बोला कि मैडम बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है, ऑक्सीजन लेने में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैडम ने बोला ठीक है हम देखते हैं। तो 8-10 बार तो चला गए तो भगा दिया, बोले हाँ ले तू कर ले जा। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी बच्ची की। तो डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर के पास कम से कम 8-10 बार गए तो डॉक्टर ने बोला हाँ देखते हैं। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची समथिंग 5 महीने की थी। तो डॉक्टर ने किसी ने नर्स ने बच्चे को ना ही ऑक्सीजन दिया ना ही कोई उपचार किया। बार बार गए, हाथाजोड़ी भी करी पेरेंट्स ने, तो कोई उपचार नहीं किया। तो उसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद भी फिर डॉक्टर आया, उसके बाद उसको बच्ची को मरने के बाद भी मुंह के अंदर उसको नली लगाई और कुछ और भी लगाया। तो जिसमें मृत्यु होने के बाद भी उपचार कर रहे, बोल रहे हैं कि झांसा दे रहे हैं माँ बाप को कि हाँ ठीक है। मैं तो ये बस यही मांगे कि जो इनकी बच्ची के साथ हुआ बाकी बच्चों के साथ नहीं हुए, जो डॉक्टरों ने लापरवाही करी उनके पर कार्रवाई हो और सख्त उनको उन पर कार्रवाई की जाए कि ताकि ऐसा कुछ आगे हो नहीं। मेरा नाम राजेश है और मैं नीमच एकता कॉलोनी से आया हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब होने से मैं नीमच में सरकारी हॉस्पिटल में ले गया था। ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से वहाँ से उन्होंने मुझे उदयपुर रेफ़र करा। उदयपुर रेफ़र में कितनी तारीख को आया था? 29 को आया था। 29 को 2:30 बजे रात करीब यहाँ पर आ चुका था मैं। उसके दौरान तो उपचार अच्छा चला, दोपहर को भी उपचार अच्छा चला। फिर दूसरी रात को 30 की रात को नर्सों ने और डॉक्टर द्वारा सही इलाज ना करने से मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने ढंग से ना इलाज करा ना कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास जाओ तो बोला आ रहे हैं, दूसरी दोबारा जाओ, सही इलाज चल तो रहा है कि तो देख रही है, बोल रही है, सुन रही है, सब कर रही है, और क्या इलाज करे इसका। तीसरी बार गए, ज़्यादा जल्दी है तो यहाँ से रात को लेते तेरी पर्ची बनाऊँ मैं और तू यहाँ से जा बाहर जा। उसके बाद फिर हमने हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे, अभी अस्पताल सब बंद हुए हैं, अभी हड़ताल चल रही है, हम कहाँ जाएंगे। और नर्स भी, उस नर्स को बोलो, 2-3 नर्स हैं वहाँ पे, नर्स को बोलो कि अब सिस्टर ये ट्रीटमेंट कर देना, मेरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तू लगा लेना, तो ये काम भी मैं करके दूंगी तेरे को। तू नीमच का या दादा है क्या? नहीं मैं मैडम मैं तो दादा का हूँ, मैं तो मेरी बच्ची बीमार है, मैं तो इलाज कराना है यहाँ पे, मैं कोई दादा वादा नहीं हूँ, मुझे मेरी बच्ची का इलाज कराना है। अब क्या चाहते हो आप? अब क्या चाहता हूँ मैं, अगर वो ठीक से इलाज करते, मतलब इलाज क्या करता है, मतलब मैंने जो भाव दिए मतलब वो खुद डॉक्टर लोग देते हैं तो उनकी होड़ नहीं है। मतलब आपकी मांग क्या है? अब मांग तो यही है, जब मेरे साथ मेरे उन्होंने जो करा इलाज सही से इलाज नहीं करा, उससे मेरी बच्ची मर गई, उनके लिए मैं कार्रवाई चाहता हूँ, कार्रवाई करवाना चाहता हूँ कुल मिला के।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।